शांजापुर में विद्युत कर्मचारी के काम करते वक्त झुलसने से हुई मौत के करीब 20 घंटे बाद भी परिजनों और कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। उनकी मांग है कि दोषी कर्मचारियों को तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए। आज सुबह से ही प्रशासन द्वारा समझाइश का दौर चलता रहा। इस बीच अलवर से एसी राज सिंह यादव मौके पर पहुंचे और दो कर्मचारियों को सस्पेंड सहित मृतक की पत्नी या उसके बेटे के बालिग होने पर उन्हें सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार देने का आश्वासन दिया और 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज दिलाने का भी आश्वासन दिया गया। हालांकि गतिरोध अभी भी बरकरार है। परिजन व अन्य कर्मचारी चाहते हैं कि सिर्फ दो ही नहीं अन्य जिम्मेदार सभी 6 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए। जब तक विभाग कार्यवाही नहीं करेगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि शांजापुर कस्बे में कार्यरत लाइनमैन राहुल शर्मा की फाल्ट ठीक करते समय करंट आने से उसकी मौत हो गई थी। मृतक राहुल शर्मा हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। वहां से परिजन शांजापुर सीएससी पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारी, सहायक अभियंता गजानंद निभोरिया, अधिशासी अभियंता पीडी सैनी बहरोड व एससी अलवर राज सिंह यादव भी मौके पर मौजूद रहे। नियम का नियम है, जैसे अगर इसकी धर्मपत्नी नौकरी करना चाहे तो उसको तभी नौकरी दे दी जाएगी, और अगर वो ये भी चाहे कि नहीं मेरा बेटा करेगा तो उसका बेटा जब भी बालिग होगा 18 साल का, 18 साल का होने के बाद उसको नौकरी दे दी जाएगी, और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर वो 12वीं पास है तो उसको बाबू को सी ए सेकेंड की नौकरी डिपार्टमेंट से देगा। नहीं, क्वालिफिकेशन के आधार पर। और सर, इसमें जो आपके जो तुरंत जो राशि जो इनको भुगतान की जाएगी सर, उसके संदर्भ में थोड़ा है। तुरंत हमारे डिपार्टमेंट में टोटल 20 लाख के नोट्स हैं जी, कर्मचारी के उसके दुर्घटना मरने पर, उसमें से उम्र के हिसाब से वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत इसका 15,30,000 रुपये तो हमको जमा कराना पड़ेगा लेबर डिपार्टमेंट में, वहाँ से इसको रिलीज होगा जी, और बाकी का पैसा हमारे वहाँ से सेंक्शन होकर डायरेक्ट इनको रिलीज होगा। 15,30,000 रुपये जो जमा होना है वो तो हम आज ही जमा करा देंगे, मैं अलवर जाकर टैक्स भेजूँगा डिफेंस लेबर डिपार्टमेंट में, और जो बाकी है 4,17,000 रुपये वो 5-7 दिन में जो इंक्वायरी वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरी करके वो रिलीज करेंगे। सर, पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये हादसा नहीं एक हत्या है, सोची समझी साजिश है, इसमें कुछ लोगों के वो नाम भी ले रहे हैं, तो उसमें कितने लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके पे डिस्कॉम का आदमी जो था इंजीनियरिंग सुपरवाइजर उसको सस्पेंड किया है। सर, क्या नाम है? आप बात कर रहे हो बाइक जी, और जो ट्रांसमिशन का जीएन था मौके पे, जिसने ये कहा बताया कि लाइन बंद है काम कर लो, उसको सस्पेंड किया है। नहीं, बाकी जांच इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी हमने भी पढ़ा दी है, डिस्कॉम की भी और ट्रांसमिशन वाले भी इंक्वायरी करते हैं, उनमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके सबसे कार्रवाई।